तो उसने जनाब चावल की कटाई करवा के डेरे पे रख दी थी और रात को बारिश हो गई। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बाबर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबू विली वाइज। अल्लाह के करम और फजल और शुक्र के साथ मैं ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे, जहाँ पे होंगे खुश होंगे। तो आज का मज़ेदार ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मौसम तो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है, आप लोगों की तरफ भी बारिश आई होगी। जिन भाइयों की तरफ आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस इलाके में बारिश हुई है। तो यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी बारिश हुई है माशाल्लाह, बताया भी गया था आपको, मैंने शायद पिछले व्लॉग में बताया था कि हवा वगैरह चल रही है और फिर उसके बाद मौसम महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया था कि जनाब सोमवार से लेकर बुध वाले दिन तक यहाँ पर बारिश का इम्कान है। तो माशाल्लाह सोमवार की सुबह सुबह बारिश हो गई है, आपको दिखाते हैं जनाब यहाँ से व्यू के किस तरह बारिश हुई, कितनी हुई है। आप हमारे प्यारे गांव का व्यू चेक करवाते हैं साथ ही। अपनी आँख दिखा दी है और सूरज जान आप सर पे आ गया, आप देख सकते हैं। और तो मैं भी छत पे आया था, अब चलते हैं नीचे चाय वगैरह पीते हैं, चाय पी के फिर आपसे इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं और फिर आपको आज मज़ेदार व्लॉग दिखाएंगे। साथ रहिएगा, जो मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपसे गपशप होती रहेगी, साथ रहिएगा। तो व्यूअर्स जनाब, इन्होंने कल धान की मशीन लगाई और बारिश आ गई रात को और जनाब अब खुश करने के लिए डाली हुई है, दिन रात जनाब मेहनत कर रहा है। सुना मोड़, चंगी बारिश हो गई है, बड़ी बारिश हो गई है। तो व्यूअर्स जनाब अब खुश करने के लिए यार ये दरमियान में रास्ता बना रहे हैं, हवा लग जाए और ये खुश्क हो जाए। और माशाल्लाह वैसे चावल बहुत अच्छा है, टॉप क्लास वैरायटी है 1509। बाकी रेट देखते हैं क्या लगता है, एक दो व्यापारी को कॉल किए इन्होंने, वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह रेट लगता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे दोस्त ने आपको दिखाया कि कल चावल वाली मशीन लगाई थी तो उसने जनाब चावल की कटाई करवा के डेरे पे रख दी थी और रात को बारिश हो गई, तो वो अभी खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह सेल करेंगे। तो आपको पता है इंसान जब फसल को काश्त करता है तो उससे लेकर उसकी कटाई तक, उसके मुकम्मल होने तक तो उसको बहुत सी टेंशनों से गुजरना पड़ता है। तो ये भी अल्लाह की रहमत हुई है बारिश तो, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से ये भी है कि कुछ चीज़ों को नुकसान होता है, कुछ चीज़ों को फ़ायदा होता है। तो इसी को लेके जनाब आपको दिखाया, तो ये चलते हैं रब्बे आपको दिखाते हैं आज के हमारी फसलों को कोई नुकसान तो नहीं हो। मैं भी दिल में सोच रहा था कि जाके देखते हैं वो रात को आंधी की वजह से या बारिश की वजह से हमारी फसल को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, तो वो भी देखते हैं, आपको भी शेयर करते हैं कि फसल कैसी खड़ी है।
ये देखें, ये नुकसान होता है जब बंदा हल लगाता है, ये रोटर लगाता है ना, तो ये फिर माल्टे जो किन्नू वगैरह वो नीचे गिरते हैं। लेकिन ये कुछ तो वैसे गिरे हैं ख़राब हो के, जिसको हम अपनी ज़बान में केरा कहते हैं। केरे का मकसद ये होता है, उस केरे से मुराद ये है कि जो फल या जो किन्नू ऊपर ख़राब हो जाता है, गल जाता है या खुश्क हो जाता है, जो टहनी से मतलब यहाँ फिर गिर जाता है, तो उसको हम अपनी ज़बान में केरा कहते हैं। तो ये वो कुछ तो केरे वाले हैं, जैसे कि अब ये फॉर एग्जांपल है और ये पड़ा है, तो ये हैं, ये भी केरे वाले हैं। और कुछ वैसे फिर जो हल लगाते हैं, तो हल की वजह से फिर वो नीचे गिरते हैं, मतलब हल लगता है या ट्रैक्टर का माड़ी गार्ड लगता है, तो इस तरह के वो गिर जाते हैं। तो वैसे माशाल्लाह फल इस दफ़ा काफ़ी अच्छा है, तो अल्लाह पाक खैर करे। आज के हमने चुनाई करवानी थी आज, लेकिन बारिश की वजह से नहीं करवा पाए, तो इंशाल्लाह आप दो दिन इसको धूप लगवाएंगे, धूप लगेगी तो ये खुश्क हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह इसकी चुनाई करवाएंगे। वैसे माशाल्लाह काफ़ी खिली खिली लग रही है, सीज़न तो कपास का आउट हो चुका है, लेकिन अब आखिरी चुनाई है, इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पर हम अपनी गंदम बनाएंगे। और देखें अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि दाई ठीक खड़ा है। और आप देख रहे हैं पीछे मेरे, यहाँ से तो सही लग रहा है, गिरा नहीं है। मुझे खदशा इस बात का था कि रात को थोड़ी बहुत आंधी भी हुई है और हवा भी तेज़ थी, बारिश भी हो गई, तो शायद हो सकता है मैंने कहा गिर ना गया हो। तो अभी फ़िलहाल जायज़ा लेते हैं पूरी खेत का कि गिरा है कि नहीं, तो आपको चंद जल्दियाँ दिखाते हैं, साथ रहिएगा। जनाब घर की तरफ रास्ते में, और भी ये बाजरा भी देखा और देख के अब जनाब सामने जा रहे हैं। वहाँ सामने जी चावल की कटाई और उसकी छंगाई हो रही है, मतलब तो ये देखे माशाल्लाह मुर्गियाँ अपना भोजन दाना पानी लेने के लिए बाहर आई हैं घर से, और काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं जब इस तरह खेतों में जनाब शाम का मंज़र पेश करता है। तो ये शाम ढल चुकी है और अभी हम जनाब बाहर खड़े हैं और मौसम काफ़ी ठंडा बन चुका है,
तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा, और कल इंशाल्लाह इसी तरह मज़ेदार फिर व्लॉग लेके आएंगे। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैन आइकॉन बटन लाजम प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और नई खुशियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपना। कल मिलेंगे फिर नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।